हेलो एवरीवन, बीआर अंबेडकर के सेकंड लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बीआर अंबेडकर के अर्ली लाइफ और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स लिखना शुरू किया, जिसे उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मुकनायक हमने पढ़ा, हमने बहिष्कृत भारत के बारे में भी पढ़ा था। और उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि अनटचेबल्स के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक वेलबींग्स हो सके। उन्होंने महार सत्याग्रह, कलराम टेम्पल जैसे आंदोलन भी किए, सत्याग्रह भी किए, और साथ ही साथ उन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी बनाया गया, जिसमें कि साइमन कमीशन का भी मेंबर बनाया गया, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के लिए भी उन्हें मेंबर्स बनाया गया था। देखिए, अंबेडकर चाहते थे कि अनटचेबिलिटी का इमेंसिपेशन हो, और उसके लिए उनका जो रास्ता था वो था लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, क्योंकि वो चाहते थे कि अनटचेबल्स को मोर सिक्योर रहे और साथ ही साथ उन्हें पावरफुल पोजीशंस मिल सके। और उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बुलाया गया और उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया। और उन्हीं के अथक प्रयास से हमने देखा कि 1932 में कम्युनल अवार्ड, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। हमने पूना पैक्ट के बारे में भी पढ़ा और जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, इस चीज़ को भी हमने पढ़ा था। 1936 में अंबेडकर ने लेबर पार्टी का फाउंडेशन रखा और उन्होंने इस लेबर पार्टी से इलेक्शंस भी लड़ा, जिसमें से उनकी पार्टी ने 17 सीट्स में कंटेस्ट किया और जिसमें से उन्होंने 15 सीट्स में जीत हासिल की। 1936 में अंबेडकर को एक लेक्चर प्रिपेयर करना था जिसका उन्होंने टाइटल रखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे कि उन्होंने जात पात तोड़क मंडल लाहौर के एनुअल कॉन्फ्रेंस में इसको डिलीवर करना था, बट ड्यू टू सम रीजंस वे डिलीवर नहीं कर पाए, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, बीआर अंबेडकर जो है वो अनटचेबल कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के बहुत ही टॉप क्लास लीडर थे, लेकिन उनके साथ बहुत सारे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। ही इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, आप अगर मानिएगा तो, जिस तरह से उनको उनके कामों के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन उनका बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं, जैसे अरुण सोरी ने अपने बुक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड में अंबेडकर को एंटी नेशनल कहा। देखिए, अरुण सोरी का क्या आर्ग्यूमेंट था, हम इस चीज़ को समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को पार कर रहा हूँ। अरुण सोरी का क्या आर्ग्यूमेंट था, अरुण सोरी ने अंबेडकर को एंटी नेशनल कहा, ठीक है, क्यों कहा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अरुण सोरी का कहना है कि जब 1929 में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जा रहा था, तो अंबेडकर ने इसका अपोज किया। सेकंड इस बात है कि अंबेडकर ने अपने अनटचेबल्स कम्युनिटी, जिनको कि दलित कम्युनिटी कहा जाता है, उन्हें कहा कि आप कांग्रेस से दूर रहें, कांग्रेस से स्टे अवे रहें। ये हमने दो रीजन देखा, पहला तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का अपोज किया और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस से दूर रहने को कहा, साथ ही साथ उनके सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अगर हम देखेंगे तो अंबेडकर का कहना था और अंबेडकर चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में स्टे करें। देखिए, इस चीज़ को समझिए, अंबेडकर का क्या कहना था, अंबेडकर का कहना था कि अंबेडकर अपने कम्युनिटी के लोगों के बेनिफिट्स चाहते थे, और अंबेडकर का कहना था कि सारा पावर, सारा अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास है, तो अगर ब्रिटिशर्स जाए तो उससे पहले, ब्रिटिशर्स अगर भारत को आज़ाद करे उससे पहले अनटचेबल्स को भी आज़ाद करे, अनटचेबल्स को उनका राइट दिलवाए। इसीलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स रहे और इस अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करे, फिर वो जाए। और आगे हम देखेंगे कि अरुण सोरी ने कहा कि अंबेडकर ही वॉज ए लीडर ऑफ कम्युनिटी,
वो एक कम्युनिटी के लीडर थे, वे नॉट लीडर ऑफ नेशन, वे नेशन का लीडर नहीं है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी का लीडर है। इस चीज को हम लोग समझिए। और इसके साथ साथ अंबेडकर ने ये भी कहा था कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज का भी अरुण सोरी उनका क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि अंबेडकर का क्या तर्क था, अंबेडकर का तर्क था कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, दिस वॉज मेड बाई कांग्रेस मैन, ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है, और साथ ही साथ इसमें जितने मेंबर्स थे सब तो मेजोरिटी मेंबर्स थे, मेजोरिटी क्लास के मेंबर्स थे, अपर क्लास के मेंबर्स थे। और आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नहीं चुना गया था, उन्हें बाद में बुलाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो देखिए, हम जहाँ अरुण सोरी जैसे लोग हैं जो कि अंबेडकर को एंटी नेशनल्स कहते हैं, वहीं बहुत सारे राइटर्स हैं जैसे अरुंधति रॉय को हम देखेंगे, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टोफर जेफरलॉट, ये सभी इन सभी तथ्य को नकारते हैं। उनका कहना था कि ही रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शंस और साथ ही साथ ही इज ए नेशनलिस्ट। और हम अब अंबेडकर के अप्रोच को समझते हैं। देखिए, अंबेडकर का क्या कहना था, इससे पहले भी डिप्रेस्ड क्लास, अनटचेबल्स क्लास के लिए बहुत सारे आए, जैसे कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उनका क्या अप्रोच था, उनका मेटलिस्टिक अप्रोच था। मेटलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब है कि वे, उनका क्या फोकस था, उनका फोकस था कि अनटचेबल्स को, दलित्स को, इन सभी जो कम्युनिटी के लोगों को अगर हम एडुकेशन देंगे, अगर उनके लिए स्कूल्स खोलेंगे, अगर वोमेंस के लिए स्कूल खोलेंगे तो उनसे उनका भला होगा। लेकिन देखिए, अंबेडकर का क्या कहना था, अंबेडकर का जो अप्रोच था, अंबेडकर का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल था। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ही इज़ वेरी रियलिस्टिक। इस चीज़ को हम समझते हैं, वो बहुत ही रियल थे, वो बहुत ही रियलिस्टिक सोच के थे। क्योंकि देखिए, हमने पढ़ा कि अंबेडकर का एडुकेशन, अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, USA, लंदन, सभी जगह से पढ़े थे और बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट थे, बहुत ही टॉप क्लास के स्टूडेंट्स थे। और उसके बाद जब वो इंडिया वापस आते हैं, और मान के चलिए, देखिए कि मान लीजिए कि इंडिया वापस आए, ये एक चैम्बर है, यहाँ बहुत सारे टेबल्स लगे हुए, यहाँ टेबल्स, इन सभी जगह टेबल्स लगे, इन सभी जगह लॉयर्स बैठे हुए, और इस टेबल्स में अंबेडकर बैठे। अंबेडकर ने देखा कि मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने इतना मेहनत की, सब कुछ है, मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास इन सबसे ज़्यादा एडुकेशन क्वालिफिकेशन और सब चीज़ है, लेकिन भीड़ यहाँ जा रही है, भीड़ इधर जा रही है, जिनके पास ना क्वालिटी है कुछ है। तो उन्होंने उसका रीजन देखा, और उनका रीजन एक ही था, और वो रीजन था कास्ट सिस्टम, क्योंकि ही बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट फैमिली और ही बिलोंग्स टू अनटचेबल्स, इसीलिए लोग इनका बायकॉट करते थे, लोग इनके पास जाते नहीं थे। तो अंबेडकर का कहना था कि चाहे इस क्लास के लोग, चाहे डिप्रेस्ड क्लास के लोग कितना भी पढ़ लें, कितना भी एडुकेट हो लें, जब तक इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जाए, जब तक इस अनटचेबिलिटी का इमेंसिफिकेशन नहीं किया जाए, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच किया। उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की। उन्होंने कहा कि अनटचेबल्स को पॉलिटिकल राइट्स दिया जाए। अंबेडकर वांट्स ऑलवेज वांटेड डेमोक्रेसी, अंबेडकर हमेशा डेमोक्रेसी चाहते थे, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि इंडिया एज ए नेशन इमर्ज करके आए, एज ए नेशन इमर्ज करके आए, इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन उनका जो रास्ता था, उनका जो तरीका था, उनका कहना था कि अगर इंडिया में पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आए, उससे पहले इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी आना चाहिए, इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी आना चाहिए। यदि इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी आ गया, अगर इंडिया के लोग सोशली डेमोक्रेट हो गए, अगर ये जो अनइक्वलिटी ख़त्म हो जाएगा, तो हम पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो ऑटोमेटिक गेन कर लेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम ऑटोमेटिक ले आएंगे। इस चीज़ को हम समझिए कि अंबेडकर के बारे में कहा जाता है, और अंबेडकर के बारे में हम लोग जनरली जानते हैं कि ही जो लॉ पर्सन्स, वो लॉ को फोकस करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस करते थे, ही जो लीगल पर्सन्स। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में,
एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम किए, और उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी बहुत सारे रिसर्च किए, और उनके बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किए। इस चीज़ को हम समझिए क्यों, क्योंकि देखिए अंबेडकर का क्या एम था, अंबेडकर का एम को समझिए। अंबेडकर वांटेड टू एबोलिश दिस अनटचेबिलिटी, इस अनटचेबिलिटी को वो खत्म करना चाहते थे। तो अंबेडकर का कहना था ये अनटचेबिलिटी आया कहाँ से, ये अनटचेबल ह्यूमंस से आया, इसको प्रैक्टिस कौन करते हैं, इसको प्रैक्टिस भी ह्यूमंस करते हैं। तो अगर इसका प्रैक्टिस भी ह्यूमंस करते हैं, अगर इसको अनटचेबल आया भी ह्यूमंस को, तो हम और ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, और ये कास्ट सिस्टम भी ह्यूमन से लाया, तो हमें इससे पहले अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इनका हमको पहले रूट कॉज, ये आया कहाँ से, इस चीज़ को जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक इसका हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ला सकते। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ह्यूमन इवोल्यूशन। ये ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ये कास्ट सिस्टम जनरेट कहाँ से हुआ, इस चीज़ को ट्रेस करना जरूरी है। और जब हम इस कास्ट सिस्टम को ट्रेस कर पाएंगे तभी जाके हम इसका सॉल्यूशन को खोज पाएंगे, सॉल्यूशन को ट्रेस कर पाएंगे। इस चीज़ को हम लोग समझिए। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। और उन्होंने बताया कि ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, साथ ही साथ उन्होंने इस वर्णा सिस्टम को भी पढ़ा, और वर्णा सिस्टम के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए। एंड ही क्रिटिसाइज हिंदुज्म ब्राह्मणिज्म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब इसको क्यों क्रिटिक्स करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, आखिर वो हिंदुज्म और ये ब्राह्मणिज्म को क्रिटिक्स क्यों करते हैं, और साथ ही साथ उनका ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कहाँ से आया, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए उन्होंने हिंदुज्म के बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट जैसे वेदाज, मनुस्मृति, सभी को उन्होंने पढ़ा, सभी को उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया, और उन्होंने पाया कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये तो इन रिलीजियस बुक्स में नहीं थे, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कास्ट होना चाहिए। तो ये आखिर कास्ट आते कहाँ से, आप समझिए इन रिलीजियस बुक्स में क्या लिखा हुआ, इन रिलीजियस बुक्स में मेटाफिजिकल थिंग्स लिखा हुआ। मेटाफिजिकल थिंग्स क्या कहता है, आप देखिए, आप ऋग्वेद को पढ़िए, और ऋग्वेद में उन्होंने कहा पुरुष सूक्त, इस ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को अगर पढ़िएगा तो उन्होंने उसमें क्या लिखा, उसमें मेटाफिजिकल थिंग्स लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, पर्सन से वो क्या है, वो ये जो कास्ट का इमर्जेंस हुआ है वो हुआ है डिवाइन मैन से। क्यों, इस चीज को समझिए, कास्ट का इमर्जेंस हुआ इस सेक्रीफाइस ऑफ डिवाइन मैन, इस चीज को समझते हैं। ये जो उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हेड, सिर, भुजा, ये आर्म्स, बेली, पेट एंड फिट, ये जो ब्राह्मण से वो भगवान के, वो डिवाइन मैन के हेड सिर से पैदा लेते हैं, और ये क्षत्रिय है वे आर्म से और वे से जो है और बेली से, और इस क्रम में सबसे नीचे जो होता है वो शूद्राज है, इस क्रम में सबसे नीचे है वो शूद्राज है। सो अंबेडकर ट्राइज टू अंडरस्टैंड दिस वैदिक जस्टिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये जो वैदिक जस्टिफिकेशन है कास्ट सिस्टम का, उसको समझना चाहते थे कि आखिर ये जो हेड, आर्म्स, बेली, फिट, ये क्या है, ये मेटाफिजिक्स थिंग है, ये साइंटिफिकल अप्रोच नहीं है, ये साइंटिफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एंड अंबेडकर बिलीव्स इन साइंटिफिकल अप्रोच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल थिंग्स, इन सभी चीज़ों पे अंबेडकर बिलीव्स करते थे, और इन्होंने इस वैदिक जस्टिफिकेशन को, ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, इस सोशल इनइक्वालिटी के वैदिक जस्टिफिकेशन को उन्होंने क्रिटिक किया, उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट किया। हम समझते हैं, देखिए अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर का कहना है, हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ब्राह्मिन्स, ये जो क्षत्रिय, ये जो वेश और ये शूद्राज है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका फंडामेंटल क्लासिफिकेशन किस तरह था, इनका फंडामेंटल क्लासिफिकेशन इस तरह था कि ये जो सिस्टम है ये टोटली ओपन था,
ओपन करने का मतलब है इफ ए इंडिविजुअल वांट, इंडिविजुअल अपने एबिलिटी के आधार पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमंस का जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे ये चेंज होते जाते हैं और ये जो सिस्टम है ये टोटली क्लोज्ड हो जाता है, इसमें ओपन सिस्टम नहीं रहता है, ये टोटली जो है वो बर्थ पे बेस हो जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो क्लास सिस्टम है, ये जो क्लास सिस्टम है जो हमने पढ़ा अभी, ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, ये जो क्लास सिस्टम है जिस जो ओपन सिस्टम था ताकि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने एबिलिटी के आधार पे, ये क्लास सिस्टम कन्वर्ट होकर कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस क्लास सिस्टम कन्वर्टेड इनटू कास्ट सिस्टम। और इन उन्होंने अपने बुक्स हु वेयर शूद्राज में इसका वर्ड में इसके बारे में बताते हैं। देखिए हम हु वेयर शूद्राज को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने क्या बताया। हु वेयर शूद्राज में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो मनुस्मृति है और वेदाज है इनका उन्होंने खंडन किया, इनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देखिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या था, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी जनरली ये कहता है कि जो विदेशी है, जो फॉरेनर्स है, वो आए भारत में और भारत में आके जो यहाँ के लोकल्स थे इंडिया के, उनके साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में फॉरेनर्स जीत जाते हैं, ये आर्यन जीत जाते हैं। दीज आर्यन आर अपर क्लास ब्राह्मिन्स, और ये जो है इंडियाज के जो लोग थे जो हार जाते हैं दे आर अनटचेबल्स। लेकिन अम्बेडकर इस थ्योरी को, ये जो आर्यन इन्वेजन ऑफ थ्योरी है उसको रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जितने कास्ट हैं ये सभी कास्ट का ओरिजिन सेम है, ये सारे कास्ट का ओरिजिन सेम है, ये सब एक जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा हम समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनिशियली ये सिस्टम है इसमें तीन ही लोग थे, फर्स्ट था ब्राह्मिन्स, सेकंड क्षत्रिय एंड थर्ड जो है ये वैश्य है। अब हम समझते हैं देखिए क्या होते थे उस समय, ये हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि ये क्या उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं, कि कोई अगर डेथ कर जाता है या कुछ होता है तो, या आपको अगर प्योर है, इफ आपको प्योर और ये जो प्योर और पोल्यूटेड का कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आया। इसमें क्या हुआ कि देखिए ये ब्राह्मिन्स और एक तरफ क्षत्रिय, ये क्षत्रिय लोग आते थे ब्राह्मिन्स के पास अपना ये उपनयन संस्कार जो प्योर होने के लिए, कि मैंने पाप किया है मुझे पाप धुलवा दो, इस तरफ का कॉन्सेप्ट जो था वो था। अब इसमें से क्या है, कुछ क्षत्रिय जो है इस सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, बोला कि नहीं ये जो है हम लोग उनसे नहीं कराएंगे। तो यहाँ से जो है इनके बीच जो है एक तरह का दीवार खटास उत्पन्न होता है, ठीक है। और यहीं से जो लोग इन ब्राह्मिन्स का हेजेमोनी को एक्सेप्ट करते हैं दे आर प्योर्स, और वहीं जो इनके हेजेमोनी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं दे आर पोल्यूटेड, इस तरह का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया। और उन्होंने अंबेडकर ने इन जो पोल्यूटेड और इस ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए वर्ड्स का यूज किया जिसको दलित, ये देखिए दलित वर्ड्स कहाँ से आया, ये दलित वर्ड दल, दिस इज अ महाराष्ट्रियन वर्ड जिसका अर्थ होता है ब्रोकन मैन, जिसका अर्थ होता है क्या, ब्रोकन मैन। अब देखिए हम समझते हैं कि कहाँ से जो है ये कास्ट सिस्टम का इमर्जेंस होता है अम्बेडकर के अनुसार, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग पहले जानते हैं कि इनिशियली ट्राइबल लाइफ स्टाइल्स हुआ करते थे, ठीक है, ट्राइबल लाइफ स्टाइल्स हुआ करते थे। और इस ट्राइबल्स में क्या है, लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब एग्रीकल्चर के लिए आगे बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, धीरे धीरे सरप्लस होगा। तो जो लोग इस एग्रीकल्चर के सरप्लस में कंट्रोल अपना हासिल कर पाए, ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पहले हुआ करता था एग्रीकल्चर, इसमें से देखिए बहुत सारे यहाँ लोग हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, इसमें से कुछ लोगों ने ये जो एग्रीकल्चर के सरप्लस में अपना कंट्रोल बना लिया, और उन्होंने क्या किया, दो पर्सन्स हु कंट्रोल्ड, उन्होंने अपना लैंड जो है
एक अपना अलग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट किया। और बाकी सब क्या थे, बाकी सब नोमेडिक्स थे, घुमंतू थे। लेकिन जो लोग इन सरप्लस में अपना अधिकार जमा पाए वे देखिए भी इधर आ गए, ठीक है। और इनका लाइफ स्टाइल क्या था, अब इनका लाइफ स्टाइल सेटल्ड रह गया। सेटल्ड हुआ कि नहीं, क्योंकि अब तो ये एग्रीकल्चर पैदा करने लगे। अब बताइए, पहले जो थे, पहले इनिशियली ऑल कम्युनिटी ये सेम कम्युनिटी से थे, और सेम कम्युनिटी से होने के कारण सभी जो है नोमेडिक्स लाइफ जीते थे। और नोमेडिक्स लाइफ जीने का इनका सबसे बड़ा तरीका क्या था, कैटल्स, ये कैटल्स को खाते थे, इट कैटल्स। बट यदि आप सोचिए कि इसमें से आपने लैंड एक्वायर कर लिया, और लैंड एक्वायर करके आपने एग्रीकल्चर करने लगे आप, और एग्रीकल्चर सरप्लस आपके पास आ गया, तो आप क्या चाहेंगे, ये कैटल्स का को आप मारना चाहेंगे कि आप सेव करना चाहेंगे? आप सेव करना चाहेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए इससे। आपको इससे क्या चाहिए, आपको एग्रीकल्चर भी करना है आपको। तो दिस पर्सन वॉन्ट टू सेव दिस कैटल्स, बट दिस इनके बारे में सोचिए, इनके पास तो एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है, तो इनके लिए खाने का मेन सोर्स क्या है, इनके लिए खाने का मेन सोर्स ये कैटल ही है। तो अंबेडकर कहते हैं कि इनिशियली इस क्लास के पर्सन्स और इधर का पर्सन्स बोथ आर नॉन वेजिटेरियन, ओके, बट आफ्टर एक्वायरिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर में आने के बाद ये कैटल्स को बचाना चाहते हैं, और ड्यू टू दिस रीजन दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर गए, और इधर जो है नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कैटल्स को बचाना, लेकिन इधर का पर्सन क्या चाहते हैं, कैटल्स उनको खाना, क्योंकि खाना तो उनका मेन पर्पस है। अब यहां से देखिए इनके बीच सेग्रीगेशन स्टार्ट हो गया कि नहीं, यहां से इन दोनों कम्युनिटी के बीच डिफरेंसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों कम्युनिटी के बीच सेपरेशन स्टार्ट हो गया, और इस तरह से ये दो कम्युनिटी में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इनके पास है एग्रीकल्चर सरप्लस, इनके पास है कैटल्स, और इनके पास जो ये घूम के खाना खाते हैं, दे आर नोमेडिक्स। तो इन्होंने इनको काम में रखना स्टार्ट कर दिया कि आप मेरे लिए काम कीजिए, आप जो हमारा लैंड है उसको आप गार्ड कीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो वर्क में कन्वर्ट हो गया, अब इनको वर्क क्या मिला, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैदा करते थे, और ये जो है वर्क ऑक्यूपेशन, अब इनका ऑक्यूपेशन भी डिफरेंस हो गया। ये जो है एग्रीकल्चर्स, दे आर सेटल लाइफ, वेल्थ लाइफ इनके पास था, और ये जो है इनके लिए गार्ड का काम किया करते थे। तो अब इनके बीच जो है ऑक्यूपेशन का भी डिफरेंस आ गया धीरे धीरे, अब आप समझिए। और जब इस तरह का डिफरेंसेस आ गया तो अब क्या होगा, आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, ठीक है। अब इनके बीच डिफरेंसेस आ गया, अब जब इनके बीच डिफरेंसेस आ गया, अब ये लोग देखेंगे, दिस पर्सन्स देखते कि दे इंजॉय लाइफ, ए वेरी लग्जरियस लाइफ, ठीक है, और इन्हें तो किसी तरह का राइट्स नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो हिंदुज्म है, तो उन्होंने क्या किया, ये अपना अलग धर्म बुद्धिज्म जैनिज्म इन्होंने अपनाया, दे आर मतलब एक तरह से इससे अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तो अब क्या हुआ, इनके बीच और डिफरेंसेस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने इनके कल्चर्स को, इन्होंने इनके कल्चर्स का खंडन कर दिया, क्योंकि ये इन्हें इन कल्चर्स में इन्हें तो राइट नहीं मिल रहा है, राइट्स इन्हें ही मिल रहा है, क्योंकि ये गार्ड का काम कर रहे हैं, इन्हें खाना नहीं मिल रहा है। बट दिस पर्सन आर दीज आर वेरी वेल्थी पर्सन। तो अंबेडकर क्या कहते हैं कि आप देखिए ये अनटचेबिलिटी, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये इनका क्या, इनका ओरिजिन क्या है, किस कारण से हुआ, इनका ओरिजिन जो है वो राइवलरी के हुआ, एंगरनेस के कारण हुआ। एंगरनेस कारण हुआ कि नहीं हुआ, कि पहले तो इनके बीच दीज आर नॉन वेजिटेरियंस और दीज आर वेजिटेरियंस, यहां से उनके बीच सेग्रीगेशन हुआ। फिर जो है ये हिंदुज्म, ये इनका अपना कल्चर है, इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, इन्हें जैनिज्म अपना लिया, तो इनका अपना कल्चर, धीरे धीरे इनके बीच राइवलरी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अंबेडकर अपने थेसिस में कहते हैं, अंबेडकर अपने थेसिस में क्या कहते हैं, अंबेडकर ने कहा कि आज के समय जो ये जो हिंदुज्म है, ये जो ब्राह्मिन्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि प्योर ब्लड, वी आर, हमारा जो ब्लड है वो प्योर है, और बाकी जो है ये इम्प्योर ब्लड है, ये पोल्यूटेड ब्लड है, बट एक्चुअली ये सभी पहले जो है एक ही थे, क्योंकि सभी पहले नॉन वेजिटेरियंस खाते थे कि नहीं था,
और जब ये वेजिटेरियंस खाने लगे तब इन्होंने कहा कि हम प्योर है, आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, आप हमसे अलग रहो। लेकिन इनिशियली इनका ओरिजिन एक ही है, इनिशियली इनका ओरिजिन एक ही है। तो अंबेडकर देखिए, अंबेडकर क्या कहना चाहते थे, अंबेडकर का साफ मकसद है, अंबेडकर का साफ का इस चीज़ को खंडन करना कि ये जो क्लासेस है इस क्लासेस को वो खत्म करना चाहते थे। और अगर इन क्लासेस को खत्म करना है तो इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट लिए गए उनको उसके खंडन करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर ओरिजिन निकालते और कहते हैं कि देयर इज नो प्योर ब्लड इन दिस सब कॉन्टिनेंट, कोई प्योर ब्लड नहीं है, पहले सब इम्प्योर था, सब पहले नॉन वेजिटेरियंस थे। ठीक है, ये तो वेजिटेरियन का, ये जो प्योर ब्लड का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, क्योंकि उससे पहले ये जो है इंटरमिक्सिंग हो गया ब्लड का, ब्लड का इससे पहले ही इंटरमिक्सिंग हो चुका है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, ब्लड का तो पहले इंटरमिक्सिंग हो, क्यों, क्योंकि ये सभी पहले हंटिंग करते थे, सभी पहले कैटल्स का हंटिंग करते थे, बाद में ये जो पर्सन से इन्होंने जो है इनका पालन स्टार्ट किया। अब देखिए, तो अंबेडकर का कहना है कि जब ये पर्सन, ये जितने भी, ये तो अलग रह रहे ये वेल्थी पर्सन से, और इनको हमेशा से सोसाइटी से अलग रखा गया है, जब इनको हमेशा से सोशली सेग्रीग्रेटेड करके रखा गया है तो क्यों ना इन्हें पॉलिटिकली भी सेग्रीग्रेटेड कर दिया जाए। और अगर इन्हें और इसी पॉलिटिकली सेग्रीग्रेटेड से उन्होंने कहा कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कराएं, क्यों, क्योंकि इन्हें तो आप पहले से ही सोशली आप बायकॉट करके रखे हुए, तो अगर इन्हें आप सोशली बायकॉट करके रखे हैं तो इन्हें अलग से पॉलिटिकली बायकॉट भी कीजिए, बायकॉट तो नहीं कर सकते, पॉलिटिकल राइट्स भी दीजिए, और इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का वो समर्थन नहीं करते थे। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड है, आप देखिए अंबेडकर का थॉट्स को देखिए, वो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट को कहां से लाते हैं, क्योंकि ये पहले ही सोशली बायकॉट है, सोशली सेग्रीगेटेड है, तो इन्हें पॉलिटिकली सेग्रीगेटेड भी कर देना चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है वो यहां से उठा के लाते हैं, समझ गए। और उन्होंने ये जो इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड, उन्होंने कहा नो वन इज प्योर ब्लड, सभी इम्प्योर ब्लड है, और इसका तो इंटरमिक्सिंग पहले ही हो चुका था। आप समझिए एक चीज को, हम देखिए आपने ये जो पढ़ा होगा, एक जमींदार, एक जमींदारी सिस्टम, तो पहले क्या थे अंग्रेज के आने से पहले ये क्या करते थे, ये जो नॉर्मल पर्सन्स थे वे सोचते थे कि ये जमींदार से ये जो है हमारा प्रॉब्लम है, ये हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें पता चला, तो उन्हें पता चला ये जमींदार से नहीं, ये जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। तो इसी तरह उन्हें पता चला कि इन लोगों में नहीं, ये जो सिस्टम है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, ये जो क्लास सिस्टम है, इसी में प्रॉब्लम है। जब तक हम इस क्लास सिस्टम का पूरी तरह से खात्मा नहीं करेंगे, जब इस क्लास सिस्टम को पूरी तरह से एबोलिश नहीं किया जाएगा, जब तक इस कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से कास्ट का इमेंसिपेशन नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। आप इस चीज़ को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को, कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट कहाँ से लाया और कहाँ से उन्होंने प्योर और इम्प्योर ब्लड और ये जो कास्ट है, ये जो अलग अलग है, ये जो इधर पर्सन अलग है, इधर पर्सन अलग है, ये जो डिफरेंसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ। और इन्हीं लोगों को उन्होंने कहा ब्रोकन मैन, दीज आर अनटचेबल्स, धीरे धीरे। और जब ये, क्योंकि ये तो पहले अलग हो गए, और जब ये सोशली इस सोसाइटी में आते हैं तो वे जो है उन्हें अनटचेबल्स घोषित करते हैं, ये अनटचेबल्स है, इनके साथ रहना नहीं है, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, इस तरह से जो है। लेकिन ये इनका ब्लड का तो इंटरमिक्सिंग पहले ही हो चुका है, इस चीज़ को आप समझ गए। अब मैं आगे कॉन्सेप्ट में आता हूँ। तो अंबेडकर इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, ये कास्ट सिस्टम वेदास से आया, इस कास्ट सिस्टम उपनिषद से आया, ये कास्ट सिस्टम ऋग्वेद से आया, ये कास्ट सिस्टम मनुस्मृति से आया, ठीक है। और दीज आर टोटल हिंदुज्म, ये हिंदुज्म को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं, अंबेडकर अगेंस्ट हिंदुज्म, ठीक है। और अंबेडकर का कहना था कि यदि हमें इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो हमें हिंदुज्म को खत्म करना होगा, इन ऑर्डर फॉर कास्ट सिस्टम टू एंड हिंदुज्म इटसेल्फ हैज टू एंड, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए, समझ गए। तो अंबेडकर इस वैदिक जस्टिफिकेशन, इस जो सोशल इनइक्वलिटी के वैदिक जस्टिफिकेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, और अंबेडकर का कहना है कि ये जो क्या है हिंदुज्म, क्या है, इसी इन्हीं लोगों से धीरे धीरे सब अलग हुए, क्योंकि उन्हें अपना राइट्स नहीं मिल रहा था, कोई बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, कोई जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ, इस तरह से हुआ। अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि ये जो हिंदू है, ये जो हिंदू सोसाइटी है, इनका क्या है, इनका चीफ फीचर ही कास्ट सिस्टम है,
इन हिंदू सोसाइटी का चीफ फीचर क्या है? कास्ट सिस्टम है। हिंदू जो हिंदू क्या है? हिंदू कुछ नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कास्ट, ये बहुत सारे कास्ट का कलेक्शन है इसीलिए। और हिंदुज्म क्या है? हिंदुज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म, ये ब्राह्मणिज्म ही है, ब्राह्मणिज्म है क्यों? और इस कास्ट सिस्टम में, ये जो कास्ट सिस्टम की बात करें, हमने हिंदू, हिंदू एक कास्ट, कलेक्शन ऑफ कास्ट है, और इस कास्ट सिस्टम में किस किन का हेजोमनी है? एक ही क्लासेस का हेजोमनी है, और वो क्लास क्या है? ब्राह्मण क्लास। तो अंबेडकर के अनुसार क्या है? देखिए, ये जो ब्राह्मण जो हमने बोला, और हमने क्या बोला, क्षत्रिय, तो ये तो क्षत्रिय ही तो अनटचेबल्स हैं, इन्हीं का तो सोशली बायकॉट हुआ। यदि क्षत्रिय जर अनटचेबल्स, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस थ्योरी ऑफ इन्वेजन है उनको उन्होंने खंडन कर दिया, बोलना ये कुछ नहीं है कि आर्यंस बाहर से आए, ये जो ओरिजिन है ये यहां से हुआ। और साथ ही साथ देखिए, ये ब्राह्मण्स क्या चाहेंगे अब, क्योंकि ये अलग हो गए सोशली, ये सोशली एडवांस भी है, इनका हेजोमनी भी है, तो अभी क्या ये इस सिस्टम को अब क्या ये चाहेंगे कि स्टेटस क्वो हो, ये बना रहे। इसीलिए इन्होंने इंडोगैमी स्टार्ट किया, मतलब अपने ही कास्ट में मैरिज करो। ये एक्जोगैमी को कभी चाहेंगे बताइए आप? ये कभी एक्जोगैमी को नहीं चाहेंगे, ताकि ये जो ब्राह्मणिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। इसीलिए इन ब्राह्मणिज्म को अगेंस्ट है। जब वो हिंदुज्म की बात करते हैं, इसका मतलब वो ब्राह्मणिज्म की का विरोध कर रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। सो देट वो हिंदू जो टेक्स्ट है वेदाज, इनका वो खंडन करते हैं, उनका वो विरोध करते हैं। आप इन सब चीज को समझ गए होंगे, अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर जो है अपने बुक लिखा द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स। इसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी के ओरिजिन को क्लासिफाई किया, इसी यही जो हुए शुद्राज एंड द अनटचेबल्स में। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अंबेडकर ने एक ये लिखा था जिसका क्या नाम था, आप बताइए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कास्ट है, इस कास्ट का एक्सप्लोटिव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, कि जो कास्ट सिस्टम है इसमें एक ही कास्ट का हेजोमनी है, और ये हिंदू है इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कास्ट। और साथ ही साथ वो बात करते हैं कि इस जो कास्ट सिस्टम है उसका कॉम्प्लीट एनिहिलेशन होना चाहिए, कॉम्प्लीट इसका खात्मा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि दिस कास्ट, ये कास्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी के लिए सबसे डेंजरस है। दिस कास्ट जो है ये, दिस इज अ इंडियन सोसाइटी के लिए मोस्ट डेंजरस इंस्टीट्यूशन है, और इसके लिए इस कास्ट सिस्टम में वो कहते हैं कुछ अच्छा नहीं है, नथिंग गुड, ये तो अनटचेबल्स के लिए डैमेज ही क्रिएट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा। और साथ ही साथ ये जो उन्होंने बायोलॉजिकल प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, पोल्यूटेड ब्लड, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इलॉजिकल कहा कि नहीं कहा, आप समझिए। और इस तरह से हमने देखेंगे कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग किया। लेकिन देखिए, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो क्या गांधी ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया, क्या कि नहीं किया गांधी ने? इसीलिए गांधी का आज के समय उनका क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि अंबेडकर का क्या कहना था, अंबेडकर का कहना था कि जब इन्हें सोशली सेग्रीगेशन करके रखा गया है तो इन्हें क्यों नहीं पॉलिटिकल सेग्रीगेट करके इनको अपना राइट्स दिया जाए, ताकि जो है ये लॉ बना सके, ये कानून बना सके अपने लोगों के लिए और डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि इंडियन सोसाइटी कैसा है आप समझिए, जब अंबेडकर को कहा गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आप अंबेडकर को पूछिएगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, आप तो कह रहे हैं कि इस जो कास्ट सिस्टम है उसका एनिहिलेशन होना चाहिए, लेकिन कैसे, हाउ? आप बोल रहे हैं कास्ट सिस्टम का एनिहिलेशन करो, ब्राह्मणिज्म का एनिहिलेशन करो, ये हिंदू टेक्स्टर्स वेदाज जो है इनका बायकॉट करो, इनको रिजेक्ट उन्होंने किया, तो आप कैसे जो है कास्ट को एनिहिलेट करोगे? तो आप समझिए, अंबेडकर जो है, क्योंकि गांधी का क्या कहना था, गांधी का कहना था कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये जो अनटचेबिलिटी है क्या, ये एक सोशल इशू है, और इस सोशल इशू का जो है सॉल्यूशन भी सोशली होगा कि नहीं होगा, और इसके लिए ये तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा जब लोग जो है, जब पीपुल है वो सेल्फ इनलाइटमेंट हो जाएंगे,
उन्हें जो है खुद से उन्हें पता चलेगा नहीं ये अनटचेबिलिटी खराब प्रैक्टिस है। तो गांधी डज नॉट बिलीव, वो नहीं चाहते थे, वे इस हिंदू सोसाइटी में किसी तरह का रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे। किसी तरह रेडिकल चेंज चाहते थे नहीं, उनका कहना था कि लोग सेल्फ इनलाइटमेंट के थ्रू ही इस जो है सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन अंबेडकर क्या चाहते थे? अंबेडकर चाहते थे कि सोशली के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, और अगर ये पॉलिटिकल इशू है तो इसका सॉल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए, है ना। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट दो, रिजर्वेशन का व्यवस्था दो। ये उन्होंने कहा ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्टेट लेड एफर्मेटिव एक्शन, है ना, एफर्मेटिव एक्शन चाहिए जो स्टेट के द्वारा हो। क्यों ये क्यों कहते हैं कि स्टेट लेड एफर्मेटिव एक्शन? क्योंकि गांधी जानता है कि ये जो सोसाइटी है, सॉरी अंबेडकर जो है वो जानता है ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी का जो है नेचर ही है एक्सप्लोटिव नेचर, ये एक्सप्लोटेशन करेगा ही करेगा। तो अंबेडकर को किस पे भरोसा रहेगा? अंबेडकर को जो है इस स्टेट पे, लॉ पे, इस पॉलिटिक्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव था। यहाँ से उनको होप मिला, ये स्टेट है, ये लॉ है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें राइट्स दिला सकते हैं। इसीलिए अंबेडकर चाहते थे कि ब्रिटिशर्स रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है क्या है, वही लॉ बनाते थे, वही कानून बनाते थे। तो वे अगर इम्पोज करें, वे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था करें, वे अगर रिजर्वेशन का व्यवस्था करें, तो पहले जो है इन अनटचेबल्स के लिए जो है फ्रीडम रखें। क्योंकि अंबेडकर जो है दो लड़ाई लड़ रहे थे, एक तो नेशनल मूवमेंट था ही था, एंड अंबेडकर का कहना था कि जो दलित्स है, ये जो अनटचेबल्स है, उनका जो उनके लिए जो क्या है, उनके लिए दो मूवमेंट है, एक तो नेशनल मूवमेंट है ही है, उसके साथ साथ उनको फ्रीडम किससे चाहिए? अनटचेबिलिटी से भी चाहिए। उनको ब्रिटिशर्स से तो फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, उनको इस कास्ट सिस्टम से भी फ्रीडम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उनको इस स्टेट, इस लॉ, इस पॉलिटिक्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको होप था, इसीलिए। लेकिन गांधी क्या है, गांधी को आप समझिए, गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि स्टेट इज ए सिंबल ऑफ वीकनेस ऑफ मैन। स्टेट क्या है? वीकनेस है मैन का, समझ रहे हैं? लेकिन अंबेडकर क्या, अंबेडकर जो है वो नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स पे बिलीव करते थे, ठीक है। अंबेडकर जो है वो क्या, वो किसके फेवर करते थे? वो फेवर करते थे लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रटर्निटी का, वो इस सोशल ऑर्डर को फेवर करते थे, वे जो है वे फेवर करते थे। और उनका कहना था ये लिबर्टी, ये इक्वलिटी, ये फ्रटर्निटी जो है वो कहाँ से मिलेगा? वो हमें लॉ से मिलेगा, वो हमें कानून के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और जब तक ये राइट्स नहीं मिलेगा, जब तक ये नेचुरल राइट्स, देखिए नेचुरल राइट्स क्या है, अंबेडकर जो है कहते हैं कि वो ही जब सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स क्या कहता है? नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स कहता है कि लोग जो है जब जन्म लेंगे उन्हीं के पास उन्हें कुछ राइट्स होना चाहिए, और ये जो राइट्स है वो नेचुरल होना चाहिए, ये राइट्स उनसे कोई छीन नहीं सकता। दीज आर प्री पोलिटिकल राइट्स, और ये जो सोसाइटी के आने से पहले ये राइट्स हैं, आपको पैदा होने से पहले ये राइट्स, आपको फ्रीडम, लिबर्टी, ये आपका राइट्स आपके जन्म से पहले है, और दीज आर प्री पोलिटिकल राइट्स, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए, इसीलिए अम्बेडकर को होप है स्टेट पर, और वे स्टेट लेड एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं। और इस स्टेट लेड क्या है, यही है कि स्टेट जो है रिजर्वेशन का व्यवस्था करे, स्टेट जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था करें, ताकि जो है ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, ये अनटचेबल क्लास है, उनको पावर मिल सके, वे अपने लिए कानून बना सके, उनको इम्प्लीमेंट करा सके, और आखिरी कतार तक लोगों तक पहुंचा सके, समझे अंबेडकर जो है। लेकिन देखिए ये जो स्टेट, अंबेडकर स्टेट पे, अगर हम फासिस्ट को देखें, फासिस्ट क्या है? फासिस्ट भी स्टेट को, लेकिन ये स्टेट जो है उसमें एक्सप्लोइटेशन करता है, तभी फासिस्ट कहते हैं। लेकिन अंबेडकर जो है वो स्टेट्स पे बिलीव करते हैं, वे कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। ओके, अब देखिए गांधी और अंबेडकर को हम देखते हैं, गांधी क्या कहते हैं। गांधी का कहना है, गांधी और अंबेडकर के बीच जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है? सबसे पहला जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है गांधी और अंबेडकर के बीच, वो आता है ऑन द इशू ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्सन के इशू पे जो है वो आता है। गांधी कहते हैं, गांधी का कहना था कि ये जो लोग जो पैदा ले रहे हैं वो उनका डिवाइन विल है कि वो हिंदू क्लास में पैदा ले रहे हैं, ठीक है, गांधी का ये कहना था, इसीलिए इसको चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन अंबेडकर का क्या कहना था? अंबेडकर का कहना था कि अगर आपको, आप जिस क्लास में पैदा ले रहे हैं, आप जिस क्लास में बर्थ ले रहे हैं, अगर आपको वहाँ स्पिरिचुअली जो है राइट्स, आप अगर स्पिरिचुअली सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहा है,
तो आप जो है उसका कन्वर्सन कर सकते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन गांधी जो है बहुत ही रिजिड थे। गांधी क्यों रिजिड थे मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए गांधी का क्या कहना था, गांधी का कहना था ये अगर एक कमरा है, दिस वन इज ए रूम, ठीक है, और इस रूम में अगर एक खिड़की है, ठीक है, और यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, तो उनका कहना था कि जितने भी कल्चर से, दूसरे कल्चर से जितनी भी अच्छी चीज़ें, उसको मैं इस खिड़की से ले लूँगा, ओके, लेकिन मैं अपने जो कल्चर है मैं उसमें संभाल लूँगा, लेकिन मैं अपने कल्चर को त्याग नहीं करूँगा। ये गांधी का थॉट्स था कि जितने अदर कल्चर्स में जितनी भी अच्छी चीज़ है उसको मैं ले लूँगा, हमें लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने कल्चर्स को त्याग नहीं करना चाहिए। ये गांधी का थॉट था। लेकिन अम्बेडकर का थॉट था कि अगर आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो आपको कन्वर्सन कर लेना चाहिए, ओके। इसके साथ ही साथ गांधी ये जो वर्ण सिस्टम है, ये वर्णा सिस्टम है को सपोर्ट करते थे। क्यों? वर्णा सिस्टम क्या बताता है? वर्णा सिस्टम जो डिवीजन ऑफ लेबर को बताता है, डिवीजन ऑफ लेबर को, कि एक ब्राह्मण क्लास, एक क्या बोलते हैं, क्षत्रिय क्लास, एक वैश्य क्लास, एक शूद्र क्लास, इस तरह से क्लास में डिवाइड है, और जो लोग जिस तरह से काम करेंगे उसके अनुसार जो है वो जाएंगे। मतलब अगर हम इसको समझेंगे तो देखिए, हमने अगर हमने मैंने आपको प्लेटो नहीं पढ़ाया है, लेकिन प्लेटो की थ्योरी क्या था, आप अगर प्लेटो की थ्योरी पढ़ेंगे तो प्लेटो का थ्योरी यही कहता है, वो मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ करेज और मैन ऑफ एपिटाइट। ये जो मैन ऑफ रीजन है ये रूलर क्लास, ये मैन ऑफ जो करेज है ये कौन रहेंगे, ये जो है प्रोटेक्ट करेंगे, और ये जो मैन ऑफ एपिटाइट है ये प्रोड्यूस करेंगे, ओके। यही चीज़ था। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ पे जो है ये डिपेंड करता है। तो गांधी जो है वो वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते थे, और साथ ही साथ वो हिंदू सोसाइटी में किसी तरह के रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते थे। लेकिन अंबेडकर का साफ कहना था, अंबेडकर का क्या कहना था, देखिए अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर का थॉट को समझिए। अंबेडकर कहते थे कि ये जो वर्णा है, जो वर्ण सिस्टम है, वो क्या है, एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट ही है, तो एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, और ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी आइडियल है। उन्होंने कहा ये थ्योरी आइडियल है। ये क्यों कहा आइडियल, देखिए इस चीज़ को समझिए, उन्होंने कहा ये जो टेक्स्ट आइडियल है क्योंकि ये क्या कहते हैं कि एक दो तीन चार, चार क्लासेस है, अगर आप चाहे तो इस क्लास में जा सकते हैं, लेकिन क्या ओरिजिनली आप जा सकते हैं, ओरिजिनली तो आप नहीं जा सकते हैं, ओके। इसीलिए जो है आप जो है आप कहने को, तो जब आप कहने की बात आती है तब आप कहते हैं कि हाँ ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बढ़िया है क्योंकि यहाँ से इसे जाए, लेकिन इस जाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है। और गांधी इस सिस्टम को सपोर्ट करते थे, लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि लेकिन ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली जो ये वर्ण सिस्टम है यही तो कास्ट है, इनका कंटेक्स ही तो कास्ट है, और आप प्रैक्टिस कास्ट सिस्टम को कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि देखिए ये वर्ण सिस्टम है, आपके पास तो ऑप्शन से जाने का। इसीलिए गांधी को आइडियलिस्ट कहा जाता है, इज ए आइडियलिस्ट, बट अम्बेडकर इज ए रियलिस्ट, ओके। और अम्बेडकर कहते हैं कास्ट इज, ये जो कास्ट है, ये कास्ट इज नॉट ए डिविजन ऑफ लेबर, ये किसी लेबर या किसी काम का डिविजन नहीं है कि आप काम जो कर रहे हैं उसके अनुसार आपका ही है। कास्ट इज ए डिविजन ऑफ लेबरर, कास्ट इज ए डिविजन ऑफ लेबरर, लेबरर मतलब लोग, कास्ट जो है वो लोगों का डिविजन है। आप समझ गए इस चीज को। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अब अंबेडकर क्या कहते हैं, देखिए अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर के अनुसार सोशल जस्टिस क्या है, अनटचेबिलिटीज की, या किसी भी लोगों के लिए सोशल जस्टिस क्या है कि आपको लाइफ ऑफ डिग्निटी मिले, आप डिग्निटी के साथ जी सके, यही तो आपका राइट्स है कि नहीं है। तो अंबेडकर जो है वो डिग्निटी को सपोर्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, और वो कहते हैं कि इस लोगों के डिग्निटी को सबसे ज़्यादा हट कौन करता है, अगर सबसे ज़्यादा कोई हट करता है तो वो करता है कास्ट, ये कास्ट सिस्टम। इसीलिए अंबेडकर इस कास्ट सिस्टम के एनिहिलेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि इस कास्ट सिस्टम का ही खात्मा हो जाए, अगर इस कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म कर दे, अगर इस कास्ट सिस्टम का ही इमेंसिपेशन कर दे तो जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये कास्ट सिस्टम का इमेंसिपेशन किसे कीजिएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है एफर्मेटिव एक्शन, आपको एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब लीगल एक्शंस स्टेट के द्वारा, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। चलिए इसीलिए आप अगर पढ़िएगा अरुंधति रॉय, जो हमने मैंने बात किया, अरुंधति रॉय क्या कहते हैं, अरुंधति रॉय कहती है कि गांधी इज ए सेंट बट अम्बेडकर इज ए डॉक्टर। गांधी एक साधु हो सकते हैं लेकिन अंबेडकर जो है वो एक डॉक्टर है।
इस तरह से रुदंती रॉय जो है इनको कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर्स में हम अंबेडकर के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, ठीक है, जैसे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में किस तरह से लिया गया, किस तरह से वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।